जो पहला शब्द कहा तुमने इस भाषा में कहा, इस भाषा में सुनी तुमने दादी माँ से कहानी, एक था राजा एक थी रानी। फिर होते चले गए तुम इस भाषा में शब्द नए नए, कुछ हवा से तेज कुछ बादलों से हल्के। इस भाषा से तुमने खेलना सीखा, शब्दों को टटोलना सीखा। शब्द थे वही पर मतलब बदला, बदला सोचने का ढंग। ये भाषा जो है तुम्हारे अपनों की भाषा, तुम्हारे सपनों की भाषा, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा, आज की भाषा, आने वाले कल की भाषा। तस्मिन् गर्व वयं कुर्मं सम्मानतः भवतु राष्ट्रभाषा एषा भवतु सर्व अभिलाषा। भारत माँ के माथे पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं, भारत की बेटी हम भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को चुना गया था। स्वतंत्रता के पश्चात हमारा देश विभिन्न संस्कृति परंपरा एवं भाषाओं में बटा हुआ था, हमारी अपनी कोई विशेष पहचान नहीं थी। तब उस वक्त के हमारे विद्वानों और राजनेताओं को इस बात का एहसास हुआ कि भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक विशेष भाषा का चयन करना आवश्यक है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। नमस्कार, सुप्रभात, मैं चंद्र बदाई हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चंद्र बदाई, मेरा जन्म 30 सितंबर 1148 में हुआ था। मैं आदिकाल का कवि हूँ। पदसेन कुएर सुधार तादर नारी सुजान, पदसेन कुएर सुधार तादर नारी सुजान, ताऊ एक पुत्री प्रकट मनु कला ससबान, मनु कला ससबान कला सौलस से बिन्य, बाल वेश ससीता समीप अमृत पिन्य। धन्यवाद। रहीमन घर से जब चलो रखियो मास्क लगाए, रहीमन घर से जब चलो रखियो मास्क लगाए, ना जाने किस वेश में मिलने कोरोना आए। मैं भक्तिकाल का कवि हूँ। मेरा जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के लहरतारा गांव के एक तालाब के पास नीरू और निमा नामक जोड़े ने मुझे पाया था। जी हाँ, मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सच्चे दिल से अपनाया और अपने व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। मैंने बचपन की सारी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद जी से ली है। मुझे कबीर से कबीरदास गुरु रामानंद जी ने बनाया। मैं अपने लिखित कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और ने शीतल करे आपहु शीतल होय। कबीरा आपहु शीतल होय, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखन आपना मुझसा बुरा ना कोई। कबीरा मुझसा बुरा ना कोई। सुप्रभात, राजस्थान, राजस्थान के राजपूतों की है ये मेरी कहानी, पर ये कहानी खून खराबे की नहीं, ये तो खून खराबे और नफरत के बीच पल रहे एक अनोखे प्रेम की है, जिसे वक्त ने अमर कर दिया। जी हाँ, 31 अक्टूबर 1498 के रोज राजस्थान के मेरता गांव में राजा रतन सिंह के वहाँ मेरा जन्म हुआ, और मेरी प्रजा मुझे प्यार से मीराबाई कहके बुलाती थी। मैं तो महलों में पली बन के जोगन चली, गली गली हरी गुण गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मैं तो गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी कृष्ण के रंग, मैं तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मैं तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। अपनी साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने और लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम आधुनिक काल ने किया है। इस समय 1900 से अब तक का माना जाता है। इसे 6 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक,
एवं सामाजिक आंदोलन के कारण हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों ने जन्म लिया। इस काव्य में छायावाद का एक मुख्य स्थान है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा इसके कर्णधार हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम भी उल्लेखनीय है। इसी काल में ही महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई जैसे महान लेखक हुए। हिंदी में ही प्रेमचंद ने लिख दी अमर कहानी, हिंदी में ही प्रेमचंद ने लिख दी अमर कहानी, बूढ़ी काकी कफन ईद का नहीं है कोई सानी। आज आपके सामने मेरी प्रसिद्ध काव्य संग्रह कामायण की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या कहती ओ ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीस स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देखो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, मैं महादेवी वर्मा, मेरा जन्म 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में हुआ। मैं हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हूँ। मुझे लोग आधुनिक काल की मीरा के नाम से भी जानते हैं। मैंने कुछ प्रसिद्ध कविताएं लिखी है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जले, आंसुओं के देश में, अग्नि रेखा आदि। उसमें से एक मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो कहा रुक रुक के पवन ने, जो कहा रुक रुक के पवन ने, जो सुना झुक झुक के गगन ने, जो कहा रुक रुक के पवन ने, जो सुना झुक झुक के गगन ने, सांझ जो लिखती अधूरी, प्रातः रंग पाए ना पूरी, सांझ जो लिखती अधूरी, प्रातः रंग पाए ना पूरी। मरण का उत्सव है, गीत का उत्सव का असर है, मरण का उत्सव है, गीत का उत्सव का असर है। मुखर कर्ण का संग मेला, मुखर कर्ण का संग मेला, पर चले पंथी अकेला इस आंसुओं के दे। मेरा नाम सुशील कुमार है, मुझे हुल्लड़ मुरादाबादी के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने कुछ प्रसिद्ध दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगा। नेता को कहता गधा शर्म न तुझको आए, नेता को कहता गधा शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए। हुल्लड़ काले रंग पे रंग चढ़े ना कोई, हुल्लड़ काले रंग पे रंग चढ़े ना कोई, लक्ष्य लगाकर कामली तेंदुलकर ना हो। बारिश छम छम करती आई बारिश, नदी नालों को भरती बारिश, चारों ओर हरियाली लाती, झरनों को झमकाती बारिश, फसलों को लहराती बारिश, मोर में ढको नचाती बारिश, किसान को हर्षाती बारिश, रिम जिम आई बारिश। मैं हिंदुस्तानी, हिंदी है हमारी सबसे प्यारी भाषा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मानी राष्ट्रभाषा, बहुत पुराना इतिहास है इसका, प्राकृत और अपभ्रंश है इसकी जननी, संस्कृत से मिली है इसको अपनी पहचान असली, स्वर और व्यंजन है इसकी सहेली, मात्रा लगे तो हो जाती है और अलबेली, नए नए अर्थ है इसके नए नए रूप, इसमें कवियों ने रची है अपनी कविताएं खूब, सरस और मीठी है यह भाषा, सभी समझ जाते हैं झट से इसकी परिभाषा, मुझे अभिमान है हिंदी है मेरी भाषा, सरल और सरज है इसकी परिभाषा। धन्यवाद। मेरी हिंदी भाषा महान संस्कृति की महागाथा कहती मेरी हिंदी भाषा, युग युग से वीरों में साहस भरती मेरी हिंदी भाषा, बेबसों निबलों की व्यथा कहती मेरी हिंदी भाषा, गुलामी की जंजीरें तोड़ आजाद करती मेरी हिंदी भाषा, जन जन में प्रेम का संचार
करती मेरी हिंदी भाषा हृदय के सूक्ष्म भावों को मुखरित करती मेरी हिंदी भाषा। There are my Hindi teacher taught me and I to remember those doha, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फल में फरले होएगी बौरी करोगे कम। हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हिंदी भाषा आम आदमी की भाषा है जो हमारे राष्ट्र को एकजुट करके रखती है। हिंदी आज जो है वो विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर है। दूसरी बात यह है हिंदी की विशेष के यूएसए उसकी 76 यूनिवर्सिटियों में और उसके साथ पूरे विश्व में 146 यूनिवर्सिटियों में हिंदी अब पढ़ाई जा रही है और बड़े शान से पढ़ाई।